We have to come out of our small circle of life. Everybody is living in a small circle of life. As somebody told, कि हम चाहते हैं कि हमारी एक अच्छी फैमिली हो, दैट इज़ ऑल गुड थिंग्स, कि हम चाहते हैं कि हमारी अच्छी फैमिली हो, एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल हो, पीसफुल लाइफ स्टाइल हो, बट बीइंग ह्यूमन, दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ़ वी आर इन्फ्लुएंशियल इन आवर सिटी, दैट वी हैव टू हेल्प आउट अदर्स. वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर होम्स, और वहाँ हम दूसरों को अप्रोच करके और इशूज़ को डिस्कवर करके, एक्सप्लोर करके, एड्रेस करके, उनका सोल्यूशन फराहम करें. यह हमारे हर उस फर्द की बींग इंटलेक्चुअल्स हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने घरों से बाहर आएँ और इंसानी बुनियादों पर, प्योरली ऑन ह्यूमन बेसिस, डोंट सी द अटायर्स, डोंट सी वॉट समबडी इज़ वेयरिंग, डोंट सी वॉट इज समबडी रिलेटेड टू, वो जिस मजहब का हो, जिस जात का हो, जिस तरह के कपड़े पहनता हो. हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और प्लेटफॉर्म पर, जैसे आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ह्यूमैनिटेरियन इशूज़ को डिस्कवर करें, डिस्कस करें, और उनको, उनके लिए सोल्यूशंस फराहम करने की कोशिश करें, प्रोवाइड करने की कोशिश करें. दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. और इसी के लिए इस तरह के डायलॉग प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. ये सारी जो एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं, दीज आर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, वरना हमारी ऑलमोस्ट 25 to 30 एक्टिविटीज़ हैं. और इस तरह की एक्टिविटीज़ हमने डिस्कवरी के बाद, एक्सप्लोरेशन के बाद, के जो गरीब हैं, जो पुअर्स हैं, जो नीडीज हैं, जो देहातों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, वहाँ उनको क्या ज़रूरतें, वो डिस्कवर करने के बाद हमने कोशिश ये की कि इन इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सके और हम अपने बकदर इसमें मदद कर सकें, उनको कोऑपरेट कर सकें, हेल्प आउट कर सकें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें जिनको वो अवेल करें, और वो अपना भी कुछ लाइफ स्टाइल डेवलप करें, एटलीस्ट वो इंसानों की ज़िंदगी गुजार सकें. क्योंकि हमारे इस देश में बहुत से ऐसे इलाके हैं, रीजन्स हैं, बहुत से ऐसे गाँव और देहात हैं जहाँ इतनी भी अपॉर्चुनिटी, और बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ इतनी भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं कि वो इंसानी ज़िंदगी गुजार सकें. वो भुखमरी का शिकार होते हैं, भूख से न जाने, जैसे उन्होंने स्टैटिस्टिक्स आपको दिए कि भूख से कितने लोग मर जाते हैं, लेकिन हमारे कानों पर जू नहीं रेंगती. ये हकीकत है, दिस इज़ अ हार्श रियालिटी, दैट बींग ह्यूमन वी डोंट रिफ्लेक्ट एंड वी डोंट पॉन्डर ओवर ऑल दोज इशूज़, कि वो इशूज़ क्या हैं जो ह्यूमैनिटेरियन इशूज़ हैं. हर शख्स के दिल में एक दिल धड़कता है, वो जो धड़कता हुआ दिल है वो उसको पोक भी करता है और प्रोवोक भी करता है टू, और जो उसका इनर सेल्फ होता है वो उसको प्रोवोक करता है कि डू समथिंग फॉर ह्यूमन, डू समथिंग फॉर अदर्स. यू आर लिविंग योर पर्सनल लाइफ, बट यू हैव टू कम आउट ऑफ योर प्लेस, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट स्मॉल सर्कल ऑफ लाइफ एंड ट्राई टू कॉन्ट्रीब्यूट फॉर योर कम्युनिटी, फॉर योर सोसाइटी. आवर कम्युनिटी इज ऑल कम्युनिटीज दैट लिव इन दिस कंट्री. हमारी कम्युनिटी कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं है, हमारी कम्युनिटी इंसानियत है. ह्यूमैनिटी इज़ आवर कम्युनिटी एंड वी हैव टू वर्क फॉर ह्यूमैनिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड रीजन. हम जम्मू में रहें या साउथ में रहें, हमारी जो बुनियादी जिम्मेदारी है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ये है कि हम इंसानों के लिए अच्छा सोचें और इंसानों के काम आने की कोशिश करें.